फिरोजाबाद में कुछ दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र शैलेंद्र फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से लगातार मेडिकल कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही परिजनों ने मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आपको बताएं कि लेकिन पीड़ित परिवार और छात्रों का आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते परिजनों और छात्रों का जैन मंदिर चौराहे पर धरना जारी है। फिरोजाबाद से यह खबर, जहां पर एमबीबीएस छात्र के आत्महत्या करने का ये मामला है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्राचार्य समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों और छात्रों का चौराहे पर धरना दोषियों के खिलाफ जारी है, सख्त एक्शन लिया जाए और इस बात की मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, क्या कुछ मामला सामने निकल कर आया है वो आपको दिखाते हैं। समय हम खड़े हैं सुभाष तिराहे पर। सुभाष तिराहे पर जिस तरह से लगभग 19 दिन पहले आत्महत्या की एक स्टूडेंट ने, मेडिकल का छात्र था और शैलेंद्र नाम था और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र था, जिस तरह से आत्महत्या की तो परिजनों ने ये आरोप लगाया, मेडिकल के स्टूडेंटों ने ये आरोप लगाया कि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से पीड़ित था, इसलिए आत्महत्या की। आत्महत्या का फिर हत्या के रूम में कन्वर्ट करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाई नेम करीब करीब लगभग 5 लोगों का नाम उसमें दिया गया, मगर आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस की कार्य प्रणाली से शायद असंतुष्ट है, इसलिए यहाँ पर शैलेंद्र के जो अभिभावक हैं, जो सपोर्टर हैं, वो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आइए चलिए हम बात करते हैं उनसे। हमारे बीच में ये रामदास मानव जी हैं और ये बताएंगे क्या प्रकट था, किस तरह से इंसाफ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी माँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शैलेंद्र की आत्महत्या और हत्या के प्रकरण में अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि उसने आत्महत्या की थी या हत्या उसकी हुई है। इस प्रकरण को दबाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक के लोग इसमें संलिप्त हैं, और चूंकि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई और एक्शन शासन के द्वारा नहीं लिया गया, इससे पीड़ित परिवार के लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। काफी इंतजार करने के बाद परसों से यहाँ धरना ये शुरू किया गया, उपवास पर बैठे हैं और ये संभवतः एक दो दिन के बाद ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। और इन्होंने ऐसा निश्चय किया है कि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हर हालत में संघर्ष करेंगे और संघर्ष के रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे बीच में पार्षद जी भी बैठे हैं यहाँ पर। पार्षद जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या है आपका अगला कदम और किस तरह से चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। अभी मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा मानना तो ये है कि दलित होने के नाते से जो एमबीबीएस जो शैलेंद्र कुमार को न्याय नहीं मिला अभी तक, और भी जो घटनाएं होती है उनको तुरंत के मिलता है न्याय। अभी का मामला है सामने, साक्षात प्रोग्राम है जी। तो ये थे हमारे साथ में शैलेंद्र के पिताजी, इन्होंने साफ किया है, पक्षपात का आरोप भी लगाया है कि दलितों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है और ऐसी कंडीशन में आके उन्हें यहाँ पर सुभाष तिराहे पर धरना देना पड़ा है। हम आने वाले समय में तो क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। धर्मेंद्र कुमार सिंह, मैं प्रत्यंत।